आज हमें जिहाद करना है, धर्म के ढोंग के खिलाफ, इस धार्मिक तुनक मिजाजी के खिलाफ। जातिगत झगड़े बढ़ रहे हैं, खून की प्यास लग रही है, एक दूसरे को फूटी आंखों से भी हम देखना नहीं चाहते। अविश्वास, भयातुरता और धर्माडंबर के कीचड़ में फंसे हम नारकीय जीव यह समझ रहे हैं कि हमारी सिर्फ उटव्वल की लीला से धर्म की रक्षा हो रही है। हमें आज शंख उठाना है उस धर्म के विरुद्ध जो तर्क, बुद्धि और अनुभव की कसौटी पर ठीक से खरा नहीं उतर सकता। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, यदि वे अपने वाक्यों को तर्क, बुद्धि और अनुभव ज्ञान के बल पर पुष्ट नहीं कर सकते तो हम उनके कार्यों को ढकोसला ही कहेंगे। भारतवासियों, एक बात सदा ध्यान में रखो, धार्मिक कट्टरता का युग चला गया। आज से 500 वर्ष पूर्व यूरोप जिस अंधविश्वास, दंभ और धार्मिक बर्बरता के युग में था, उस युग में भारतवर्ष को घसीट कर मत ले जाओ। जो मूर्खताएं अब तक हमारे व्यक्तिगत जीवन का नाश कर रही थी, वे अब राष्ट्रीय प्रांगण में फैलकर हमारे बचे कुचे मानव भावों का लोप कर रही है। जिनके कारण हमारा व्यक्तित्व पतित होता गया, अब उन्हीं के कारण हमारा देश तबाह हो रहा है। हिंदू मुसलमानों के झगड़ों और हमारी कमजोरियों को दूर करने का केवल यही तरीका है कि समाज के कुछ सत्यनिष्ठ और सीधे दृढ़ विश्वासी पुरुष धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध जिहाद कर दें। जब तक यह मूर्खता नष्ट नहीं होगी, तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। हम चाहते हैं कि कुछ आदमी ऐसे निकल आवें जिनमें हिंदू भी हों और मुसलमान भी, जो कि इन मूर्खताओं की, जिनके हिंदू और मुसलमान दोनों शिकार हो रहे हैं, तीव्र निंदा करें। यह निश्चय है कि पहले पहल इनकी कोई न सुनेगा, इन पर पत्थर फेंके जाएंगे, ये प्रताड़ित और निंदा भाजन होंगे, पर अपने सिर पर सारी निंदा और सारी कटुता को लेकर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं को राष्ट्र यह निमंत्रण दे रहा है। शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव, ऐसे जो हों वे ही आवें। गणेश शंकर विद्यार्थी, चुनी हुई रचनाएं।